दोस्तों, देश में मुसलसल मस्जिद मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी किसी बहाने से किसी मदरसे के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो कभी किसी बहाने से या कोई आरोप लगा करके मदरसों को सील करने की कवायद जो है वो भी तेज कर दी गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ये सिलसिला बीते कई सालों से जारी है, पर अब उत्तर प्रदेश से डराने वाले आंकड़े भी सामने आने वाले हैं, जहां तकरीबन 530 से ज़्यादा मदरसों को बंद करने के लिए पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद हो चुकी है, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आ रही है। और हर एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा भी करूँगा, पर उससे पहले आप लोगों से अपील कि आप पलपल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि हम आपसे चैनल चलाने के नाम पर चंदा नहीं मांग रहे कि इतना अमाउंट दीजिए, हम फितरा जकात का पैसा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 530 से ज़्यादा मदरसों की, जहां राज्य मदरसा शिक्षा परिषद की मान्यता छोड़ने की अर्जी दी गई है और इससे संबंधित प्रस्ताव को आज यानी कल 10 सितंबर को परिषद की बैठक में हरी झंडी भी दे दी गई। बोर्ड के जरिए यहां जारी एक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों से करीब 530 से ज़्यादा परिषद से मान्यता वापस लेने की अर्जी दी गई है तथा इससे संबंधित प्रस्ताव को बैठक में अनुमोदित करके आगे की कार्रवाई के लिए परिषद के रजिस्ट्रार को स्टार्ट किया गया है। बैठक में मौजूद रहे मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य कमर अली ने पीटीआई भाषा को बताया कि उत्तर प्रदेश के 530 मदरसों के परिषद से खुद को मिली मान्यता के संपन्न की अर्जी दी थी, जिस पर आज हुई बैठक में ये खुल करके फैसला लिया गया है। और उन्होंने बताया कि इन मदरसों ने मुख्तलिफ वजहों से मान्यता वापस लेने की अर्जी दी है, जिनमें सबसे अहम कारण मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता के इनोवेशन की जटिल प्रक्रिया का होना। पूर्व में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से ही मदरसों की मान्यता और उसका इनोवेशन हो जाता था, लेकिन अब ये अधिकार रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसों को एक निश्चित अवधि में अपनी मान्यता का इनोवेशन करना होता है, जो अब तक एक जटिल प्रक्रिया है, चूंकि मदरसों को अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए उनमें से अनेक मदरसों में बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता ले ली है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही मिल रही है। और उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 से ज़्यादा मदरसे हैं, उनमें से लगभग 16,500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 560 मदरसों को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है, जबकि 8,500 मदरसे और मान्यता प्राप्त हैं। मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा जारी बयान के मुताबिक बैठक में मदरसों की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया और बयान के मुताबिक बैठक में राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त 560 मदरसों के लिए एक मॉडल प्रशासनिक योजना को भी आगे बढ़ाया गया, जिसमें अनुमोदन किया गया कि इसके तहत मदरसों के कर्मचारियों की शिकायत अब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से की जा सकेगी। इसके अलावा मदरसा शिक्षा परिषद के बजट में वृद्धि करने का प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए बैठक में रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए हैं। तो किस तरीके से मदरसों को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, मदरसों के अंदर अमूमन सभी तरीके की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि जब सर्वे कराया जा रहा था मदरसों का तो खुद मदरसे के अंदर जा कर के हमने लोगों से बात की थी और मदरसे के बच्चों से बात की थी, जिसमें ये बताया गया कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तमाम तरीके की पढ़ाई जो है मदरसों के अंदर कराई जा रही है।
पर नई नई चीजें सरकार द्वारा इंक्लूड की जाती हैं कि साहब मदरसे के बच्चों को और मदरसे में ये पढ़ाई होनी ही चाहिए, और अगर नहीं होगी तो उनके ऊपर गाज गिराया जाएगा। ऐसे 530 मदरसों को छाटा गया और अब उनको पूरी तरीके से बंद करने का निर्णय ले लिया गया है।